हलका गिदड़बाहा दे पिंड फक्कर सरच 19 साल दे भरा ने अपनी ही 17 साल दी भैन दा तेज तार हथियारा दे नाल गला वड के कतल कर दिता है। कातल भरा दा नाम कुलविंदर सिंह दसिया जा रहा है, जो कि वारदात करन तो बाद मौके ते फरार हो गया। मृतक लड़की दा नाम अंजू दसिया जा रहा है, जिसका कतल होया है। दस दिए कि अंजू दा भरा कुलविंदर सिंह उसके करैक्टर ते शक करदा सी, जिसके चलते इस पूरी वारदात नूं अंजाम दिता गया। ता कतल दी है वड्डी वारदात अज सवेरे 9 बजे वापरी, जदों मृतक अंजू दी मां खेतां दे विच झोना लगाउण गई सी अते भरा ने पहला छोटी भैन निशू नूं किसे दे घर छड्डिया अते फिर अंजू दा कतल करन तो बाद खुद फरार हो गया। यह भी दस्या जा रहा है कि लड़की किसे लड़के दे नाल ब्याह करवाउणा चाहुंदी सी, जो कि उसके भरा नूं मंजूर नहीं सी। इसे दे चलदिआं इस पूरी कतल दी वड्डी वारदात नूं अंजाम दिता गया। पिंड दे विच वापरी इस कतल दी वड्डी वारदात तो बाद लोकां दे विच जिथे सहम दा माहौल है, उथे ही मौके ते पहुंची पुलिस ने कतल दा मामला दर्ज करन तो बाद अगे दी कानूनी कारवाई शुरू कीती है अते परिवारक मेंबरां दा रो रो के बुरा हाल है। मामले दी वधेरे जानकारी दिंदे होए जांच करता पुलिस अधिकारी DSP जसबीर सिंह ने कहा कि पिंड फक्कर सरच कतल दी वड्डी वारदात वापरी है, जिथे भरा दे वल्लों ही अपनी भैन दा कतल कर दिता गया है, क्योंकि उसका भरा उसके करैक्टर ते शक करता सी। फिलहाल मामला दर्ज करने तो बाद डूंगाई दे नाल जांच जिहड़ी है कीती जा रही है, जल्द ही कातल भरा नूं गिरफ्तार किया जाएगा। सर की मामला जिहड़ा अज्ज अज्ज सानू मैसेज मिला कुलविंदर सिंह रवि ने पुत्र सजीत सिंह अपनी भैन अंजू कौर का मर्डर करता, जो लड़की की उम्र 17 साल आ ते उहदे भाई जिहड़ा मर्डर करन वाला 19 साल की उम्र आ, उन्हें पट्ठी कुत्ते नाल टोका उहदे नाल दो वार करके पता लगा कि उन्हें मर्डर करता। सर घर दे विच कौन कौन मौजूद सी जिस समय घटना हुई है? ये दोनों भैन भाई मौजूद सी। ये दरने पुछगिछ पता लगा भी माता जिहड़ी झोना लाउण गई सी, सवेरे घर दे विच इकट्ठा परिवार सी, इहदी एक छोटी भैण एक दी माता जी, जो उहदी पहलां मौत हो चुकी है। सर दोषी की गल करिए दोषी फरार है जां पकड़ लिया गया जी? तफ्तीश जारी है जी, दरने तफ्तीश जो तत्थ सामने आउणगे उहदे दौरान ही कार्रवाई की अमल च लैंदी जाएगी। की कारण सी, किवें होया, की गलबात है? सर वजह की सामने आ रही है जी? वजह इहदी माता दे बयान लिख रहे हैं, माता जी दस रही है भी ਇਹ ਆਪਦੀ ਭੈਣ ਤੇ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਸੋ ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਸ ਕਤਲ ਦੀ ਵੱਡੀ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਦੋਸ਼ੀ ਭਰਾ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਆਖਿਰਕਾਰ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰੇਗੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਦਾ ਤੇਜ਼ਧਾਰ ਹਥਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਵੇਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਖੁਦ ਮੌਕੇ ਤੇ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਨਵੀਆਂ ਤੇ ਤਾਜ਼ੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਸਕਾਈ ਨਿਊਜ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ। ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਤਰਸੇਮ ਟੂਡੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ।